मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित सेंचुरी मिल के श्रमिकों द्वारा मिल को बेचे जाने के विरोध में श्रमिक जनता संघ के बैनर तले सेंचुरी सत्याग्रह आंदोलन किया जा रहा है। उक्त आंदोलन को नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेघा पाटकर का समर्थन प्राप्त था। लगभग 4 वर्षों से चल रहे इस आंदोलन में मेघा पाटकर लगातार श्रमिकों के साथ डटी रही। इतना लंबा चलने के बाद भी कंपनी प्रबंधन और श्रमिकों के बीच कोई सुलह नहीं हो पाई। आज अचानक पुलिस बल द्वारा आंदोलन स्थल पर पहुंचकर बलपूर्वक मेघा पाटकर और सैकड़ों की संख्या में समर्थकों को आंदोलन स्थल से हटाकर कसरावत NVDA रेस्ट हाउस भिलगांव छात्रावास ITI कॉलेज कसरावत लाया गया। आंदोलनकारियों का कहना है कि पुलिस द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से किए जा रहे हैं सत्याग्रह का बलपूर्वक हटाना शर्मनाक है, वहीं मानव अधिकार हनन भी है। कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए मजदूरों का दमन किया जा रहा है। वहीं कसरावत SDM संघ प्रिय का कहना है कि हमने अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की है। उन्होंने शासकीय जमीन पर अस्थायी अतिक्रमण कर रखा था, जिसका हम पहले नोटिस चस्पा कर चुके थे। आज हमने अतिक्रमण हटा दिया। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। एक मिनट सर, सर 144 हमारे लिए लागू है, अंदर के लिए लागू नहीं है क्या? अंदर के लिए लागू नहीं 144, हमारे लिए ओनली लागू है। अरे सर हमारे लिए लागू है क्या 144? हमारे पापा ने यहाँ पे खुद को शिकायत कर दिया और आप लोग बताइए हम लोग क्या करेंगे? क्यों तो ना रोए, नहीं आता क्या बाहर? उसके बारे घायल हो चुके हैं तो मम्मी की पता नहीं है क्या? आप लोग SDM साहब से बात कर लेना, बुलवा ले, आप यही खड़े रहिए, वेट कीजिए। आप SDM साहब को जो भी आपका कंपनी का मालिक है यहाँ ले जाइए, हमको अभी वेट कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।